अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा भाई कि जो लोग अभी कुवैत में आ रहे हैं या नए आ रहे हैं या इधर हैं, अपना वीजा जो है कि सोन से एक खादिम से सोन में ट्रांसफ़र करा रहे हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर जो आप लोग ध्यान नहीं दे चाहे आप या लोग अगर जो ध्यान नहीं दोगे, तो चाहे आप लोग नए आ रहे हो चाहे आप लोग पुराने हो, आप लोगों को ज़िंदगी भर जब तक इधर रहोगे जब तक ऊँट ही चराना पड़ेगा। क्योंकि लोग क्या होता है कि आदमी लोग सिर्फ 18 नंबर वीजा देख के ही, वीजा 18 नंबर का नाम सुन के 18 नंबर सुन के चले आते हैं, क्योंकि उनको हकीकत मालूम नहीं रहती है कि क्या होता है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहिए इंशाल्लाह। मैं फुल जानकारी दूंगा आप लोगों को, एकदम अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन जैसा कोई आप लोगों को बताया नहीं होगा। हमें बता दूंगा आप लोगों को भाई कि जो है वीजा जो है 18 नंबर वीजा दो तरह का होता है, एक गनम का होता है और एक सोन का होता है। तो भाई जो सोन का वीजा होता है वो तो कंपनी का होता है, प्रोजेक्ट का वीजा होता है, और जो एक और सेम सेम 18 नंबर का वीजा रहता है वो गनम का वीजा होता है। तो भाई जो गनम का वीज़ा होता है उसमें क्या रहता है ना कि गनम का वीज़ा में जो है कि आप लोगों को ऊँट का, भेड़ का, बकरे का, मजरे का, उसमें आप लोगों का ये है कि ऊँट चराने का वीज़ा रहता है, वो गनम का वीज़ा उसे बोलते हैं। तो आप लोगों की एक छोटी सी गलती आप लोगों को पूरा 2 साल तक, 3 साल तक पूरा वाट लगा सकती है। आप लोगों को आके ऊँट चराना पड़ेगा और क्या क्या करना पड़ेगा मालूम नहीं, क्योंकि पब्लिक सिर्फ यहाँ पे सिर्फ यही सोचते हैं कि 18 नंबर वीजा है, 18 नंबर वीजा है, 18 नंबर वीजा है। तो भाई 18 नंबर वीजे में एक सोन का वीजा आता है, गनम का वीजा आता है। तो आप जब भी आए कुवैत या कोई आ रहा है तो उसको सजेस्ट करेंगे कि भाई अगर जो कोई कंपनी आपको 18 नंबर वीजा दे रहा है या कोई कफील आपको 18 नंबर वीजा दे रहा है, खास करके उन लोगों को बताइए जो लोग आज़ाद वीजा में आ रहे हैं, जो लोग अपना वीजा खरीद के ला रहे हैं, क्योंकि नहीं तो बाद में बहुत मुश्किल होगी। वो बंदा सोचेगा मैं आजाद वीजा खरीद के आ रहा हूँ, यहाँ मिल जाएगा उसको गनम का वीजा, फिर बोलेगा चलो ऊँट चराओ, फिर बहुत मुश्किल होता है। तो खास करके उन लोगों के पास शेयर भी करिए और बताइए भी कि भाई 18 नंबर का जो वीजा है वो दो तरीका का होता है, एक होता है गनम का वीजा, एक होता है सोन का वीजा। और जो सोन का वीजा होता है भाई वो आपका प्रोजेक्ट और कंपनी का गुजारे का होता है, और जो गनम का वीजा होता है भाई वो ऊँट चराने का होता है, भेड़ बकरी चराने का होता है। एक गलती पूरा जिंदगी बर्बाद। वो जो ऊँट चराता है, भेड़ चराता है, उसको ही पूछो, उसको मालूम होगा। मेरा काम था बस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करना। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप वीडियो अच्छा लगा, ज़रा भी अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और कोई सवाल सुझाव हो तो उस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर लाते रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।